मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमपी की मशहूर डिश यानी इंदौर की, इसको आमखंड बोलते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगी और तो आप इसको 10 मिनट में बना लेंगे। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने बाउल ले लिया है, तो हम कोई भी कपड़ा या चुन्नी ले लेंगे, इस तरीके से हम इसके अंदर ढक देंगे और फिर हम डालेंगे इसके अंदर दही। तो दही मैं एक कटोरी ले रही हूँ, तो वो सारा दही डाल देंगे क्योंकि दही हमें बिल्कुल गाढ़ा करना है। तो हम इस तरीके से इसको बांध देंगे और बांध के हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए इस तरीके से टांग देंगे कि इसका जो भी सारा पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो निकल जाए। तो ये मैंने एक मैंगो ले लिया यानी आम ले लिया है बड़े साइज का और इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तो हम डालेंगे इसको जार के अंदर, तो ये मैं जार के अंदर डाल रही हूँ। तो आप आम एक बार चेक कर लें कि मीठा है या फीका है, फिर आप उस हिसाब से चीनी डालें। तो मैं इसके अंदर 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ क्योंकि जो दही होगा वो भी हमें इसके अंदर मिक्स करना है। और इसका ढक्कन बंद करके मैं इसको बिल्कुल बारीक यानी ग्राइंड कर लूँगी। तो 2 से 3 घंटे बाद इस तरीके का दही हो गया हमारा बिल्कुल क्रीमी क्रीमी और गाढ़ा गाढ़ा। तो इसको हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे इस तरीके से और फिर इसको मिक्सर की मदद से थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे, यानी कि थोड़ा सा और क्रीमी हम कर लेंगे। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है, तो इसको मैं साइड में रख रही हूँ और जो हमने जूस पीसा था वो देख लेते हैं। तो ये हमारा मैंगो जूस पीस के बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर पानी और दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इसको ऐसे ही हमें पीसना है। तो वो अब मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, यानी बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा इसी के अंदर हमें मिक्स करना है और इसको मिक्सर से बिल्कुल चला लेना है कि ये दोनों चीज़ इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर डालेंगे हम इलायची पाउडर और फिर एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद डाल देंगे हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट। तो मैंने बादाम और ये थोड़े से पिस्ते लिए इस तरीके से और हल्का सा मिक्स कर देंगे इसको और इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिर हमारा आमखंड बनके बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स 1 घंटे बाद मैंने फ्रिज में से निकाल लिया, हमारा आमखंड बनके बिल्कुल रेडी है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें, ये अधिकतर एमपी में बनाया जाता है, जब शादियां होती हैं या कोई फंक्शन होता है तब ये वहां पर बनाया जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। अगर आपको मेरे आमखंड की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें।